ثاني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ग्रेड 9 बेटे एक्सरसाइज 9.3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस पी क्यू एंड आर. अब मैं आपको सवाल यहीं से समझा देता हूँ आपको ताकि पता लग जाए. प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये देखें दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, और 90 के सामने जो होता है वो साइड हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो सपोज एम है. तो वो कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, वो पी से क्यू से और आर से इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है. क्लियर, पी क्यू एंड आर आर गिवन. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने पी क्यू क्यू आर और पी आर फाइंड करने हैं, ताकि हमें सबसे पहले ये तो पता लगे कि ये वाकई इसमें से वाकई पी आर हाइपोटेन्यूज बनता भी है कि नहीं. हाइपोटेन्यूज के लिए आपको शर्त पता है ना, हाइपोटेन्यूज के लिए क्या शर्त होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है ना. इसका मतलब है हमें सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. तो हमने सबसे पहले पी क्यू क्यू आर और पी आर फाइंड कर लिया, किस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से. अब आपको पता है अगर मैं पी क्यू ले रहा हूँ तो ये क्या है एक्स वन वाई वन, ये क्या है एक्स टू वाई टू, डिस्टेंस फार्मूला याद है ना आपको. तो ये आपके पास वैल्यूज है, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. इस तरीके से पी क्यू क्यू आर और पी आर हमने फाइंड कर लिया. अच्छा अब ये देखें, हमें वैसे भी पता लग रहा है कि ये अंडर रूट 13 है, ये अंडर रूट 13 है. ये देखें पी क्यू अंडर रूट 13 है और क्यू आर अंडर रूट 13 है, और पी आर क्या बन रहा है अंडर रूट 26. तो इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करें तो इसके बराबर बन रहा है. इसको हम लिख भी लेते हैं एस पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, देयर फॉर पी आर इज द हाइपोटेन्यूज. आप अगर यहाँ पर लिखना चाहिए तो इसकी वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल सकते हैं, आंसर तब भी वही निकलेगा. पहली स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने प्रूफ कर दिया कि पी आर क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है. अच्छा अब हम कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पी आर इज एम, ये पी आर था ना हाइपोटेन्यूज, उसका मिड पॉइंट क्या है एम. अब मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा, जब मिड पॉइंट की बात हो रही है तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला वो क्या है, एक्स की वैल्यू होती है एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई की होती है वाई वन प्लस वाई टू बाई टू. ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो पी और आर की वैल्यूज आप पुट करोगे, ये इसकी वैल्यूज क्या होंगी एक्स वन वाई वन, इसकी क्या होगी एक्स टू वाई टू. ये आपने वैल्यूज इस फार्मूला में पुट की x1, x2, y1, y2, ये आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू और फाइव बाई टू. ठीक है, अच्छा अब ज़रा ये गौर से देखें कि एम पी इज इक्वल टू एम आर है ना, ये देखें एम पी और एम आर आपस में बराबर नहीं है. ये एम उसका मिड पॉइंट जो है, इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ये दोनों बराबर हैं. और एम आर की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किससे, डिस्टेंस फार्मूला से. अब m के पॉइंट्स क्या होंगे x1 y1, r के क्या होंगे x2 y2, इससे आप वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा. ये देखें ये वाला मैंने थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे आपके लिए किया है, ये है ना माइनस वन प्लस थ्री बाई टू, तो इसका मतलब क्या है इसके नीचे क्या है वन है ना. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कर दिया था ताकि आपको एलसीएम याद आ जाए, माइनस वन बाई वन प्लस थ्री बाई टू, इसका एलसीएम टू आ गया, वन टू टाइम्स टू तो टू वन ज़र टू माइनस के साइन के साथ, प्लस टू वन ज़र टू और वन थ्री ज़र थ्री, माइनस टू प्लस थ्री वन आ गया वन बाई टू. इसका मतलब है इसी वजह से मैंने यहाँ पर वन बाई टू लिखा था. ये आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर, मैंने फिर इसका एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया ट्वेंटी, ऊपर 26 बन गया ना, और नीचे 4 का अंडर रूट क्या आता है 2. ठीक है, इसका मतलब है एम पी और एम आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 26 बाई 2. अब हमने रह कौन सी गई है एम क्यू. ठीक है, अब ये देखें ज़रा एम, अब आपने एम क्यू फाइंड करना है, एम क्यू फाइंड करना है. ठीक है, क्यू के भी आपके पास पॉइंट्स हैं, एम के भी आपके पास पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब आपने सिंपल ये देखें, ये एम के पॉइंट्स हैं और ये क्यू के पॉइंट्स हैं. यहाँ पर आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे. ये आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला से आपका आंसर अगेन सेम क्या आ गया अंडर रूट 26 बाई 2. इसका मतलब है एम पी
एम आर एंड एम क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। और यही हमने प्रूफ करना था कि ये आपस में मिड पॉइंट से पी आर और क्यू के बराबर है, यही हमने प्रूफ करना था। नो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ओ 00, ए 30 एंड बी 35 आर द थ्री पॉइंट्स ऑन प्लेन, प्लेन मीन्स अ स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं, फाइंड एम वन एंड एम टू एस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसका मतलब है एम वन जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है एंड एम टू क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ओ बी है, एंड फाइंड एम वन एम टू फाइंड करना है आपने। सबसे पहले हमने वो प्लेन बना लिया, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। वो कहता है एम वन किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो ये देखें, ये ए बी का ना मिड पॉइंट, ये एम वन हमने कह दिया, और एम टू किसका मिड पॉइंट है, ओ बी का। ये ओ है, ये बी है, इसका तकरीबन मिड पॉइंट ये आ जाता है, ये हमने एम टू कह दिया, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट एम वन है ना, और मिड पॉइंट का फार्मूला इसको हम एम वन कह देते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वन वाई टू प्लस बाई टू। अब ये देखें, अब आपने यहाँ पर ये पॉइंट्स कौन से लिए, ए बी वाले लिए, ए के पॉइंट्स क्या हो गए एक्स वन वाई वन, बी के क्या हो गए एक्स टू वाई टू। यहाँ से आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एम वन के ये आंसर आ गया। फिर आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ओ बी क्या है, उसको आप एम टू कह लो, ठीक है, फार्मूला तो वही होता है। और अब पॉइंट आपने कौन से लेने हैं, ओ और बी के, ओ के क्या पॉइंट होंगे एक्स वन वाई वन, बी के क्या होंगे एक्स टू वाई टू। ये आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास एम टू का ये आंसर आ गया। अब उसने एंड पे आपको क्या कहा है, फाइंड एम वन एम टू। तो अब हम क्या करेंगे, एम वन एम टू पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एम वन के ये जो पॉइंट हमारे पास आए थे, ये हमारे पास हो गए एक्स वन वाई वन, और एम टू के हो गए एक्स टू वाई टू। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगाने से हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर। अब अंडर रूट लिया तो अंडर रूट नाइन का थ्री और अंडर रूट फोर का टू, तो थ्री बाई टू इज़ द आंसर। बेटे डू इट वेरी केयरफुली एंड मेंटेन योर कॉपीज प्रॉपरली। टिल देन थैंक यू।